देश के जनता की मेहनत की कमाई सहारा इंडिया और अनेकों चिटफंड कंपनियों द्वारा हड़प लिए जाने से आक्रोशित पीड़ित परिवारों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाते हुए देश भर के करोड़ों आम जनता की गाड़ी कमाई सहारा इंडिया और अनेकों चिटफंड कंपनियों ने कई अरब रुपया हड़प लिया है, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। वहीं इस मामले में प्रदेश की सरकार को संज्ञान दिलाने लाखों पत्र लिखे गए और कई बार संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान न देकर उल्टा इस मामले को उलझा दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़ित परिवार ने बताया कि भुगतान नहीं मिलने के कारण सहारा इंडिया समेत कई चिटफंड कंपनियों के कार्यकर्ता ने प्रताड़ित होकर 10,000 से ज्यादा की संख्या में आत्महत्या कर लिया है। इसी कड़ी में आज संयुक्त निवेशक मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों पीड़ित परिवार ने दुर्ग कलेक्टर पहुंच महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री सहित अन्य लोगों के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमें नहीं चाहिए, सहारा इंडिया समेत देश भर के सभी चिटफंड कंपनियां का संपूर्ण भुगतान करवाने की मांग को लेकर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर देश भर के संगठनों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर इस मांग पत्र पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरना किए जाने की चेतावनी भी हम दे रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं माननीय राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सहकारिता मंत्रालय को, और उसमें मांग हमने रखी है जो पुरानी हमारी मांग है, जो 10 वर्षों से हम लोग मांग रहे हैं, हमारा भुगतान, हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान जो 10 वर्षों से लंबित है सहारा के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से लंबित हुआ इतना साल तक। उसके बाद अभी सरकार को कोर्ट के माध्यम से पैसा भी मिला 5,000 करोड़, उसको भी हम लोगों को देने में वो सक्षम नहीं है, तरह तरह की मतलब त्रुटि बताकर, और हमारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ में करीब करीब 20,000 करोड़ हम लोग का पेमेंट भुगतान बाकी है, जो ऑलरेडी 2020 या 21 या 18 में ही पूरा हो चुका है, मगर अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ है। और टोटल भारत की बात किया जाए तो 13 करोड़ जमा करता है, जो संसद में खुद माननीय सीतारमन जी ने वो किया है कि 13 करोड़ जमा करता है पूरे भारत भर में, तो 13 करोड़ जमा करता है। अगर एक सदस्य, एक घर में अगर 4 सदस्य भी हैं तो समझ लीजिए 60-70 करोड़ हम लोग प्रभावित है ये भुगतान ना होने की स्थिति में, और वो 8-10 सालों से हैं सर, आज से नहीं है, मगर सरकार हमको उग्र कर रही है, आने वाले समय में उग्र कर रही है कि ये लोग रोड में उतरें। करीब करीब 4,000 लोग मर भी चुके हैं सर, आत्महत्या भी कर चुके हैं और इस दुनिया से भी जा चुके हैं, और प्रताड़ना है, कोई फांसी लगाए, अकाल मृत्यु हुई है उनकी, मतलब जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, 5 लाख पर जिस तरीके से, जिस KYC के आधार पर उन्होंने लिया, उसी KYC के आधार हमारा भुगतान, चाहे सहारा प्रबंधन करे, चाहे सरकार डायरेक्ट बैंक के खातों में करे, तो यही हम लोगों की तमाम तरीके से, हम लोगों ने पिछले 7-8 वर्षों से जब से पीड़ित हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिए, हड़ताल किए, सब कुछ किए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब पूरे भारतवर्ष की यदि बात की जाए तो 50 लाख से ऊपर परिवार हैं, अगर एक घर में 4 भी लोग मांगे तो इतने लोग आते हैं, जमा करता है तमाम चिटफंड कंपनियों के, देश में बहुत सारी चिटफंड कंपनियां आई हैं। हमारी मांग है कि हम लोग सहारा से हमारा भुगतान किया जाए, और जो भी चिटफंड से पीड़ित निवेश हैं सबका भुगतान किया जाए। आज सहारा जीवित है, बाकी कंपनियां तो भाग गई, डायरेक्ट आता पता नहीं है, तो जब सहारा का भुगतान, सबसे बड़ा पूरे पीड़ित लोग सहारा ही परिवार से हैं। आगे यदि हम लोग की मांग पत्र जो दिया गया, मांग पत्र हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सहकारिता मंत्री, वित्त मंत्रालय, चीफ जस्टिस महोदय के नाम पर दिया गया है। यदि इस मांग पत्र पर सही समय पर विचार निर्णय नहीं होता है, हम लोग की मांग पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में संयुक्त निवेशक मोर्चा, जो कि एक संगठन बना है, करीब 22 संगठनों के माध्यम को मिला करके बना है, हम लोग पूरे भारतवर्ष में जन आंदोलन करेंगे, बड़े पैमाने, बड़े स्तर पर, जंतर मंतर से शुरू होते हुए जितने भी जिले हैं, जहां पर सारे जिलों पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। और ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।